अजय देवगन एक बहुत अच्छे एक्टर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जब जब अजय देवगन डायरेक्शन का सोचते हैं तब थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अजय देवगन ने अभी तक अपने करियर में शायद दो एक फिल्में डायरेक्ट की है, जिनमें लास्ट फिल्म थी सिवाय। सिवाय का ट्रेलर कितना शानदार था, लेकिन फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। लेकिन सिवाय के बाद अगली फिल्म अजय देवगन ने डायरेक्ट की है, जिसका नाम है रनवे 34, जिस फिल्म में अजय देवगन के साथ हमें अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, रकुल प्रीत सिंह और शायद केरी मिंडाठी भी देखने को मिलेंगे। तो रनवे 34 का ट्रेलर अभी कुछ देर पहले रिलीज हुआ और ट्रेलर देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें ट्रेलर के पॉजिटिव चीजों के बारे में, तो ट्रेलर की सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये है कि फिल्म के अंदर जितने भी एक्टर्स हैं, सबके लुक और सबके जो कॉस्ट्यूम्स है ना, कमाल के लग रहे हैं। ट्रेलर में अजय देवगन पूरी तरह से अल्ट्रा स्टाइलिश लग रहे हैं और अजय देवगन का जो स्वेग है, जो एक अंदाज है, ट्रेलर में अलग ही झलक रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, इस ट्रेलर के अंदर जो डायलॉग्स है, टू लाइनर डायलॉग्स, काफी कमाल के और जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए ना ट्रेलर में, सबके पास एक एक दो दो डायलॉग्स दिए और सबके डायलॉग्स काफी केची और इंप्रेसिव है। लेकिन ट्रेलर की एक और जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये है कि पूरा ट्रेलर देखने के बाद भी फिल्म की जो कहानी है वो रिवील नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आजकल बॉलीवुड की फिल्मों के जब ट्रेलर आते हैं तो ट्रेलर के अंदर ही फिल्म की पूरी कहानी दर्शकों के सामने रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे रनवे 34 का ट्रेलर काफी अच्छा लगता है, लेकिन कहानी के बारे में हमें ज्यादा आइडिया नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, बात करें कि रनवे 34 के ट्रेलर में नेगेटिव चीजें क्या थी, तो पहली नेगेटिव चीज मुझे लगी वो था VFX। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो VFX है काफी सस्ता वाला दिख रहा है, खास करके वो प्लेन वाला जो सीन दिखाते हैं ना, वो काफी अलग ही लग रहा है कि नकली सा है। इसके अलावा ट्रेलर में जो दूसरा नेगेटिव चीज मुझे लगा वो था बैकग्राउंड म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म एक थ्रिलर मूवी है और थ्रिलर मूवी के हिसाब से जिस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रेलर में होना चाहिए ना, उस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था। हालांकि ट्रेलर में अमिताभ और अजय देवगन के बीच की जो नोक झोंक है वो भी काफी बढ़िया लग रही है, और कहीं ना कहीं यूं लगता है कि फिल्म देखते वक्त अमिताभ और अजय देवगन ही सबसे ज्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। अब दोस्तों, ट्रेलर देखते वक्त मैं एक चीज का खास ध्यान रख रहा था कि ट्रेलर में केरी मिनाटी को दिखाते हैं या नहीं, लेकिन पूरा ट्रेलर खत्म हो जाता है, केरी मिनाटी देखने को नहीं मिलते। तो हो सकता है कि अजय देवगन ने केरी मिनाटी का जो रोल है उसे सरप्राइज के तौर पर रखा हो। अगर ट्रेलर में दिखा देते तो फिर जब वो फिल्म में आता तो उतनी एक्साइटमेंट नहीं बचती। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि रनवे 34 का जो ट्रेलर है काफी बढ़िया है और उम्मीद करते हैं कि फिल्म इससे भी बेटर होगी। हालांकि आपको बता दूं कि फिल्म रिलीज होने वाली है इसी साल ईद के मौके पर, और इस फिल्म का क्लेश होने वाला है टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 के साथ में। तो आपको क्या लगता है, हीरोपंती 2 और रनवे 34 में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारेगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको रनवे 34 का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, प्रणिपात।